Hey guys, welcome to my channel खुशी इन वंडरलैंड। अगर आप इस चैनल पर नई आई हो तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो पर लाइक दो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो। तो आज का वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में ही पोस्ट कर दिया था कि आज इवनिंग में आएगी न्यू वीडियो प्लेड ऑफ प्लेइंग की वीडियो, तो ये आ चुकी है और बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे गाइज। तो मैं दिखा देती हूँ क्या क्या सामान है। तो गाइज ये है सबसे मेन प्लेडो टावर, नेक्स्ट है कपकेक मोल्ड, और नेक्स्ट में है थ्री शेप्स मोल्ड। इसमें बना हुआ है फ्लावर, पेंटागन, स्क्वायर, मिकी माउस, सर्कल एंड ट्रायंगल शेप। नेक्स्ट है ये स्ट्रोलर क्ले को पतली करने के लिए, और नेक्स्ट है ये टू कप्स पर्पल एंड ऑरेंज के, एंड ये है कुछ यूटेंसिल्स लाइक कुछ टूल्स हैं जिससे हम इसकी शेप्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है ये प्लेट ग्रीन एंड येलो, और नेक्स्ट है सबसे मेन प्लेडो जो मुझे मेरी मम्मा ने मेरे को बर्थडे पे दी थी। यह स्काई ब्लू कलर, वाइट कलर, रेड कलर, ब्लू कलर एंड येलो कलर। सो वी हैव टोटल 5 कलर्स। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 9 प्लेडोज हैं, बट ये मम्मा ने मेरे को अलग से दिलाकर दिया। जो इसके साथ आई थी ना, एक्चुअली वो ख़राब हो चुकी है, मैंने बाद में देखा, तो सॉरी गाइस कोई बात नहीं। बट लेकिन हम 5 प्लेडो से कुछ अलग अलग बना सकते हैं। और कमेंट करके बताओ कि इन सब में से आपका फेवरेट कलर कौन सा है। मैं अपना बता देती हूँ, मुझे सबसे अच्छा लगा नेवी ब्लू एंड रेड, दीज बोथ आर माय फेवरेट कलर, आई जस्ट लव देम। चलो अब खेलना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारी शेप्स हैं, और गाइज ये जो है ना ये निकल जाता है, इधर हमें क्लियर डालनी होती है और जब हम इसे प्रेस करते हैं तो नीचे से यहाँ से निकलता है क्ले। मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसको हम निकाल भी सकते हैं, ये टूट जाता है फिर जुड़ भी जाता है। पहले मैं आपको करके दिखाऊंगी इससे। तो मेरा फेवरेट कलर देते हैं फर्स्ट रेड। तो जैसे कि अब हम लेंगे थोड़ा सा कलर, इतना क्ले लेंगे हम, इसे पतला करेंगे और हम इसके अंदर इसे डाल देंगे और फिर इसे प्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। प्रेस करेंगे और देखिए कैसे निकल रहा है। तो देखिए गाइस कितना अच्छा निकला है इसमें से। तब इसे हम रोल 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 करेंगे और ये हमारी बन गई क्रीम जो केक पे लगती है। सिंपल है ना, अच्छा। और ऐसे करेंगे तो इतनी सारी क्ले निकल भी जाती है क्योंकि इसके अंदर फंसी जो होती है। अभी इसके अंदर फंसी हुई, चलो निकालते हैं गाइस। देखना कितनी सारी क्ले निकलेगी मेरे हाथों में। देखिए गाइस कितनी सारी क्ले निकली मेरी उंगली में, अंदर फंस जाती है तो उसे निकालना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम है। तो गाइस सारी क्ले निकल चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई है, देख सकते हैं रेड रेड फंसी हुई है, इससे ज़्यादा फंसी हुई थी। अब देखिए सारी निकल चुकी है, वो इतनी ही निकलती है बस। तो ये ऐसे बनता है, और मैं बना के दिखाती हूँ दूसरी वाली। Let me tell you. अब हम बनाते हैं मेरे सेकंड फेवरेट कलर ब्लू से। गाइस में थोड़ा सा मिक्स हो गया रेड, कोई बात नहीं। तो हम जैसे कि ये लेंगे और इसके साइड पे शेप्स बनी हुई है, तो गाइस मैं बनाना शुरू करूंगी बटरफ्लाई आप सबके लिए, बटरफ्लाई कैंडी। गाइज एकदम बेकरी शॉप है
और प्लेडो से खेलने में बच्चों का जो माइंड है ना वो फ्रेश होता है, इसलिए मुझे प्लेडो से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं बोर हो रही हूँ तो मैं ज़्यादा प्लेडो से ही खेलती हूँ, बिकॉज आई लव प्लेडो। गाइस ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है बटरफ्लाई। उप्स गिर गई, मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आपको, आपको दिख रही होगी ना गाइस। अब मैं आपके लिए हार्ट बनाती हूँ फिर रेड कलर से। गाइस हमें ना साथ के साथ अंदर डाल लेना चाहिए, क्योंकि जो प्लेडो है ना वो जल्दी सूख जाती है, एकदम क्ले की तरह है ये, बट क्ले से कई ज़्यादा सॉफ्ट है ये। अब हम लेना पसंद करेंगे हार्ट, हार्ट फॉर यू गाइस, और हार्ट है ये ब्लू वाले में। यस कहाँ गया ये रहा। अब हम हार्ट रखेंगे और इसे प्रेस करेंगे। देखिए गाइस हम इसे प्रेस करते हैं और फिर इसे निकल जाता है। ये देखिए गाइस हार्ट फॉर यू, अभी दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं अच्छे से निकाल के बताती हूँ। ये देखिए गाइस प्लेट में रख के बताती हूँ आपको, हार्ट फॉर यू गाइस। अब मैं आपके लिए एक और बटरफ्लाई वो भी बड़ी वाली बनाना चाहती हूँ। गई थोड़ी ढंग से नहीं बनी, बट बन गई। देखिए बटरफ्लाई नीचे गिर गई। देखिए गाइस ओ लेट मी फिक्स इट, बटरफ्लाई फॉर यू गाइस। चलो बस अंदर देते हैं। अब हम कोई और कलर यूज करते हैं, जैसे कि आई वांट टू यूज गाइस मैं आप सबके लिए कपकेक बनाना चाहती हूँ, और कपकेक हम बनाएंगे येलो कलर से। हेयर इज येलो, और मैं आपको अभी कपकेक रेडी करके देती हूँ गाइज। गाइज कपकेक तो रेडी है, पर इसकी डेकोरेशन अभी रहती है, और ये मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो गाइज ये स्पेशली मैंने आप सबके लिए बनाया है, ये एक प्यारा सा कपकेक है। तो गाइज ये मैंने येलो बेस बनाया, और नेवी ब्लू मैंने यहाँ पे स्टोन्स चिपकाए हैं, और ऊपर से मैंने स्काई ब्लू का वो गोल गोल वाली शेप दी है, और फिर मैंने ये वाइट डॉट्स बनाए हैं और रेड से स्प्रिंकल्स बनाए हैं। तो गाइज ये आप सबके लिए है ना सुंदर। और गाइज मैं आप सबके लिए बनाना पसंद करूंगी डिलीशियस आइसक्रीम। तो आप कौन सी फ्लेवर की खाना पसंद करोगे, मैंगो की आइसक्रीम, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, कोकोनट एंड ब्लूबेरी? तो गाइज बताइए आपको कौन सी फ्लेवर की खानी है। तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे करते मैं सारे फ्लेवर्स की बना देती हूँ और गोल गोल करके देखती हूँ कैसी बनती है, बस मिक्स ना आ जाए होप। चलो मैं बनाने के बाद मिलती हूँ, बाय बाय। तो गाइज मैंने ना सारी क्ले में से इतनी इतनी बॉल्स बनाई और फिर सबको मिक्स कर दिया, और इससे मैं आपके लिए आइसक्रीम बनाऊंगी, मिक्स फ्लेवर आइसक्रीम। गाइज ये आप सबके लिए मैंने मिक्स्ड फ्लेवर के आइसक्रीम रोल्स बनाए हैं, एंजॉय अ ट्रीट। तो गाइज कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल, बाय बाय, एंजॉय योर डे गाइज।